सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं रोज की तरह आज फिर एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ आया हूं, जो कि एक हमारे दादाजी हैं, देख रहे हैं, ये करीब 70-75 साल के उम्र के हो गए हैं। ये जो कि यहां पे रहते हैं, इनके एक बेटे हैं जो कि यहां फार्म का जो कि देखभाल करते हैं, वो इस समय है नहीं। तो मैं आया था, काफ़ी दिनों से मैं आता रहता था यहाँ पर, आता हूँ चला जाता था, लेकिन मैं आज आया दादा के पास, दादा जो कि अकेले बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि आज कुछ से वीडियो आपसे यहाँ पे लिया जाए और दादा के साथ कुछ शेयर किया जाए। किसान भाइयों, अगर आप जो है एक पोल्ट्री फार्मर है, अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो दादाजी से बहुत अच्छी सीख मिलेगी और बेहतरीन तरीके से आप जो है मुर्गी पालन कर सकते हैं, जो कि ब्रॉयलर मुर्गी से लेकर मैं देसी मुर्गी और सोनाली मुर्गी, सभी मुर्गियों के बारे में जानकारी आपको शेयर करता रहता हूँ कि ये मुर्गियाँ कैसे पाली जाती हैं। सबसे पहले किसान भाई, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाई, जो कि ज़्यादा देखेंगे कि जो कि इनका फार्म है, पहले ब्रॉयलर मुर्गी चलाते थे, लेकिन ब्रॉयलर मुर्गी में क्या होता है कि जब उनमें बीमारी एक बार आ जाती तो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो दादाजी एक बार बहुत ज़्यादा परेशान होकर उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाने के कारण उन्होंने मुर्गियाँ जो है ब्रॉयलर को हटा के देसी मुर्गी पालन कर ली। देखेंगे कि जो कि इनके पास एक बहुत ही ख़तरनाक मुर्गा है, जो कि ये काटता बहुत तेज, अभी हमको काटने के लिए दौड़ा लिया था, जो कि दादाजी को पहचानता है, इनको नहीं बोलता, लेकिन अगर हम जाएंगे हमको काटने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ता है। किसान भाई, दादाजी जो है इनके पास करीब 100 मुर्गियाँ हैं जो कि दादाजी इनका पालन करते हैं, और ये मुर्गे देखेंगे दादाजी के बहुत प्यार से इन्होंने पकड़ लिया है इसको। ये मुर्गा हमको जब यहाँ पे पहुँचे तो हमको बहुत तेज़ी से काटने के लिए दौड़ा था। देखेंगे दादाजी कितने अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं मुर्गे साथ, और दादाजी करीब आप बता सकते हैं 75 साल की उम्र में ये यहाँ की मुर्गी फार्म की देख रेख करते हैं, और ये अंदर में देखेंगे कि कुछ मुर्गियाँ भी हैं, और यहाँ पे इनसे बच्चे भी सेल करते हैं। अगर आप देखेंगे कि सारी मुर्गियाँ आ चुकी हैं इनके पास, कितनी मुर्गियाँ और कितनी बेहतरीन मुर्गियाँ हैं, सब अच्छी मुर्गियाँ इनके पास, अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वो इनके जो यहाँ पे रहते हैं, अगर वो होते, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता अंदर ले चल के, लेकिन दादाजी अकेले हैं, सारी मुर्गियाँ जो है डेर के मारे इधर उधर हो जाती हैं। अगर आप इनके यहाँ से मुर्गी खरीदना चाहते हैं तो आके खरीद सकते हैं, इस समय जो कि वो है नहीं, दादाजी हैं, दादाजी को उतना पता नहीं किस हिसाब से मुर्गियाँ बेचते हैं। तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, फिर दूसरे दिन आके साझा कराऊंगा आपको कि आप मुर्गी ले सकते हैं यहाँ से, ये जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको दे देंगे। इनकी सारी मुर्गियाँ करीब अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, जो कि करीब सब 2.5-3 किलो के ज़्यादा की हैं। किसान भाइयों, ऐसी अवस्था बहुत ही कम ही देखने को मिलती है, जो कि दादाजी बहुत ही छोटे स्थान पर ये बना के रखी हैं। किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं यहीं पे फिर आके कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि वो दादाजी के बेटे जो यहाँ पे रहेंगे, तो उनसे सारी जानकारी लेके आपको शेयर करूँगा। किसान भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।